वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम खेल रहे हैं द विजिटर। तो ये गेम बेस्ड है एक एलियन के ऊपर। एलियन विजिट करने आता है अर्थ को। उस एलियन के अंदर एक ऐसी पावर्स है कि अगर वो कोई भी चीज खा ले तो उसकी पावर्स उस एलियन के अंदर आ जाती हैं। तो उस एलियन को हम कंट्रोल करने वाले हैं। चलो गाइस, फाइनली हमारी गेम जो स्टार्ट हो चुकी है। और अचानक से एक मीटियोर आके गिरा आसमान से। और इस मीटियोर में से यही कीड़े जैसे कैरेक्टर हमारा निकला। तो आई थिंक इसी को हम यूज कर गेम को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक फ्रॉग है जो काफी प्यारी मीठी नींद ले रहा। तो आई थिंक हमें इसको नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी छेड़ कर देखूंगा। तो ये सिर्फ उठा और दोबारा से सो गया, दैट्स इट। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक ट्री है जो कटा हुआ है, 50% वाला ट्री है। कुछ भी नहीं कर सकता इस लोग को। क्या मैं इसको उड़ा सकता हूँ? नहीं, मैं इसको भी नहीं उड़ा सकता। तो यहाँ पर एक फिशिंग रॉड है, क्या मैं फिशिंग रॉड को उठा सकता हूँ? नहीं। ओके, तो थोड़ी देर माउस ऐसे से घुमाने से मुझे एक चीज पता चली कि जहाँ पे हमारा माउस जो चेंज हो रहा था, इट मींस कि हम उस चीज को छेड़ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं छेड़ सकते। ओके, तो मैं अभी ट्री के ऊपर लेके गया, तो ट्री को यहाँ से टूट गया, तो हम यहाँ पर छेड़ सकते हैं ट्री को। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे एलियन को यहाँ पे कुदा दिया है। ये क्या करेगा? ये एलियन इस फ्रॉग को खाएगा या फ्रॉग इस एलियन को खाएगा? तो इसको उठा के देखते हैं। व्हाट, ये क्या हुआ? ओ, मैं सही समझा था, क्योंकि एलियन जो है उसने अंदर से खा लिया उस फ्रॉग को, तब उसकी पावर्स जैसी एलियन के अंदर आ चुकी हैं। तो क्या ये कूद सकता है? नहीं, ये कूद नहीं सकता। तो मैं भी शायद आगे जाके कुछ करेगा, नहीं तो इसका साइज तो काफी ज्यादा बड़ा होगा। नहीं तो जब ये शुरू में आया तो काफी ज्यादा छोटा सा था। इसको तो अभी भी नहीं मैं उड़ा सकता। बट यहाँ पर एक होल है। ओके, तो हमने उसको पिजन को हमने वापस भेज दिया है अपने घर में। स्पैरो है या चिड़िया, लाइक क्या चीज है ये? जो भी था, हमने इसको इस बर्ड को अपने घर भेज दिया है। तो मैं भी शायद अब ये टूट जाएगा ना, या ये टूट गया। तो अब मुझे शायद फिशिंग रॉड रखनी है, यहाँ पे फिश करनी है इसके लिए। ये शायद उस फिश को खाएगा तो अब ये मजीद बड़ा हो जाएगा। तो हमें इसको शायद बड़ा करना है। वट, इससे क्या होने वाला है? तो शायद हमें एक दफा और इसको झटका देना और फिर ये मछली यहाँ पे आएगी तो हम इसको पकड़ लेंगे। बट ऐसा नहीं है। शायद मे बी वन मोर टाइम कि हम इस फिश को पकड़ सकें। नहीं, अभी भी नहीं पकड़ सकता। क्या करना है? मैं भी शायद इस एलियन के ऊपर क्लिक करना, जब अगर मैं ऐसे करूं। तो मुझे एलियन के ऊपर ही क्लिक करना था, मुझे लगा ही था ऐसा। तो ये क्या खाएगा, क्या करेगा ये? ओके, तो मैंने फिशिंग, तो हमने एज अ जंप यूज किया है, ट्रैम्पोलिन यूज किया है। क्या हम किसी के घर आ गए हैं? तो क्या हमें अंदर जाना है? नहीं, ये कैट जो हमें जाने नहीं दे रही। तो हमें इस कैट को हटाना होगा या तो कैट को मारना होगा, जिसकी वजह से हम जा सके अंदर। तो यहाँ पे एक स्पाइडर आ रही है, बट स्पाइडर गायब भी हो रही है, दोबारा जा भी रही है, अपने घर जा रही है, वेब के ऊपर नहीं आ रही। तो यहाँ पर एक एप्पल है जो कटा हुआ था थोड़ा सा, तो उसने एप्पल खा लिया। आय हाय, कितनी सारी फ्लाइज आ गई। तो अब ये फ्लाइज को देख रहे हो, तो आई थिंक अब हम जा सकते हैं ना उसके पीछे से? नहीं जा सकते। तो आई थिंक हमारा साइज इतना बड़ा नहीं है कि हम इस डोर को ओपन कर सकें। तो पहले हमें इसको कैट को मारना होगा या खाना होगा, फिर हम अंदर जा सकते हैं। तो मैंने होल देखा, तो मैंने कहा शायद हम इस होल के अंदर से जा सके, बट नहीं, ये कैट नहीं जाने देगी हमें। ये कैट तो भी फिलहाल हमारी दुश्मन बनी हुई है, कहीं और मैं जा सकता हूँ। बट यहाँ ऊपर कुछ है, ट्री पर कुछ था, तो उसने अच्छा साउंड ऐसी क्रिएट कर दी जिसे वो बिल्ली जो है ऊपर देखने लग गई। अब तो होल की तरफ ही देख रही थी। बट ये क्या कर रहा है? इस तरह तो इसका कबाब बन, मैं ये कहने वाला था कि उसका कबाब बन जाएगा, जिस तरह की वो गरम गरम हवाएं आ रही हैं। तो अब क्या करना है मुझे? यहाँ जाना है? कहाँ जाना है? आप किसकी कैट की ये टेल के ऊपर? वेयर आई एम गोना क्लिक ब्रदर? ओके, तो ये बिल्ली के ऊपर क्लिक करने को कह रहा है कि मैं बिल्ली के ऊपर क्लिक करूँ, बट क्यों? मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओए हाय, ये कितना गंदा था। ओके, तो इसने बिल्ली को खा लिया अंदर से। तो इसका स्टमक में जाना बहुत जरूरी है, तो ये अंदर से खाता है और फिर ये फट जाता है। तो अब तो हम काफी ज्यादा साइज बड़ा हो गया। पहले तो हम एक छोटे से कीड़े जैसे थे, लेकिन अब तो काफी ज्यादा बड़े हो गए। फाइनली हमारे हाथ भी आ गए अब। ओके, तो आंटी जी किचन के अंदर कुछ कर रही है, तो बर्तन वगैरह धो रही है, डिशेस वॉश कर रही है। तो हमें क्या करना है? और यहाँ पे अभी कुछ हुआ था, और मुझे जूस बनाना है, माल्टो का जूस बनाना है यार। मुझे काफी टाइम हो गया कि माल्टो का जूस पिए हुए, तो यार जूस काफी अच्छा होता है। तो आंटी जी ने साफ कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जूस बाहर आ गया था। खाली मुझे क्या यही करना है? ओके, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ किन किन चीज़ों को मैं छेड़ सकता हूँ। ओके, तो ऑब्वियसली ये स्टोर के अंदर आई थिंक हमें जाना है, बट ये डॉग बैठा हुआ है तो हमें जाने नहीं देगा। पहले कैट ने रोका, डॉग रोक रहा है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉर ओपन कर सकता हूँ, बट ये आंटी जी ने दोबारा से बंद कर दिया। तो ये यहाँ पे कुछ प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई है, प्लेट्स भी नहीं है। यहाँ पे एक नाइफ है, सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है, दैट्स इट। और ये क्या है? ओके, तो आंटी दोबारा सेट कर रही है उसको। मुझे ऐसा कुछ करना है कि आंटी का ध्यान बढ़ जाए और फिर हम यहाँ से जा सके। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था, मैंने अभी भी ऑप्शन देखा। आंटी काफी जल्दी आ गई थी, तो मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है। सबसे पहले ये, फिर ये। ओके, तो मुझे पहले क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर सकता हूँ ना, डिश वॉशर को। अब वो पानी गिर रहा है, तो पानी गिरने के बाद ये स्लिप होकर नीचे गिर गया, दैट्स इट, कुछ भी नहीं हुआ। बट मैं यहाँ से नाइफ भी कर सकता हूँ। मुझे एक चीज समझ आ गई मुझे क्या करना है। शायद मे भी हमें इस आंटी को मारना होगा।
सबसे पहले ये इसको ओपन करो, उसके बाद पानी को बहने दो, गिराओ उस पानी को, उसके बाद यहाँ पे नाइट रखो। अब ये आंटी मरने वाली है, मुझे लगा ही था, क्योंकि जब ये यहाँ पर हिट हुई है तभी मुझे लग गया था कि मुझे तब फील हुआ था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा। इसे क्या होने वाला है? आ वेंट ओपन हो गई, कहाँ जाना है? इस बल्ब के ऊपर, एंड फाइनली वी आर गो टू इन। ओके तो हम दूसरे रूम के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे सोए हुए हैं, दो बच्चे सोए हुए हैं, यहाँ पे एक बर्ड फूड पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बर्ड बैठी हुई है, यहाँ पे एक फिश है, तो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? नहीं, फिश टैंक के अंदर जा सकता हूँ? नहीं। ओके सबसे पहले मुझे बाहर निकलना था यार, आई थिंक अब मुझे फिश टैंक के अंदर जाना और फिश को मार कर, कितना ज्यादा नेस्टी था तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हम, क्या करना है मुझे? इस बर्ड को उड़ा दिया, एक्चुअली मैंने उड़ा दिया, तो आई थिंक हमें इसके नीचे जाना है, तो यहाँ पे वो गिर गया ना, तो ये खाने आएगी तो अब हम इसको मार देंगे। That's it. इसने मार दिया यार, तो हमें बाहर निकलना चाहिए। अब कहाँ जाना है? इसके मुंह के अंदर? नहीं यार, अभी आई थिंक इंसानों को मारना शुरू कर दिया है, क्या हुआ इसे? Like what? तो पहले दिया नहीं था, क्या देगी क्या? Like ग्लिच हो गया, बग हुआ कुछ, इतने बड़े हो गए और इस बंदे की फट गई है ऑब्वियसली, क्योंकि साउंड ज्यादा हुई है, इसने पता नहीं कौन सी अजीब सी साउंड हो गई है, उसकी वजह से काफी ज्यादा डर गया है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये बेड के नीचे जा चुका है। मोस्टली लोगों का ये फियर होता है बेड के नीचे को मॉन्स्टर वगैरह होता है, तो आज वो फियर जो है सच होने वाला है। ये तो काफी ज्यादा नेस्टी था, क्या होने वाला है इस बार? इस लड़के की अब मौत है? नहीं, कब इसकी? ये तो काफी ज्यादा गंदा था कि उसका हेड ही ले गया। ओके गाइस, तो मुझे लगा था ये गेम काफी ज्यादा बड़ी होगी, बट ये गेम काफी ज्यादा छोटी निकली, तो इसलिए मैंने इसको गूगल किया, तो गूगल करने के बाद मुझे पता चला कि इसकी एक सीक्रेट एंडिंग भी है, जो कि वैसे मैंने मिस कर दी थी, तो इसलिए मैं वो सीक्रेट एंडिंग को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला। तो नहीं, मुझे सारा बाहर निकलना। ओके तो सबसे पहले हमें ये डोर को क्लोज करना है कि वो मॉन्स्टर अंदर ना आ सके, क्योंकि लास्ट टाइम तो इसका सर वो खा गया था, तो हमें इस लड़के को किसी तरह बचाना होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना देखा था कि इसकी एक सीक्रेट एंडिंग है, तो मैं वही दोबारा से करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसा क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर जिससे इस लड़के की जान बच सके। ओके तो यहाँ पे पानी आना चालू हो गया, बट क्या तो मार के चला गया यार, आई थिंक मैंने कुछ देर कर दी, मुझे जल्द से जल्द करना होगा। सबसे पहले इसको डोर को क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पे पानी चला देते हैं, तो यहाँ पे भी इसने हिट करा है डोर के ऊपर, तो अभी हमें और क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे टॉयलेट पेपर, बट यहाँ पे गिराना है, यहाँ पे गिराना है, इसको फ्लैश कर देते हैं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा पानी हो गया, तो आई थिंक ये यहाँ से फिसल के एलियन अंदर बाहर की साइड पे निकल जाएगा। मे बी ऐसा ही होना चाहिए, कोई और चीज हो यहाँ पे, और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? ओके तो ये यहाँ पे हेयर ड्रायर है, इस हेयर ड्रायर को यहाँ लगा के, और क्या यहाँ पे लगाना है? ओके तो हमने इसको शॉक दिया है, शॉक से आई थिंक ये एलियन मर गया है। लाइक व्हाट, इस एलियन ने फिर भी उस बेचारे को मार दिया यार। आई थिंक यही थी इसकी सीक्रेट एंडिंग जो हमने कवर कर ली, लेकिन वो लड़का फिर भी बेचारा मर गया, लेकिन मैं उसको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी एट द एंड मर ही गया। अगर आपको ऐसे कोई भी गेम्स के बारे में पता है, एलियन टाइप्स या हॉरर या नॉन हॉरर, ऐसे कोई भी काइंड ऑफ गेम्स के बारे में आपको पता है, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। चलो गाइस आज के लिए इतने, मैं चला कोई न्यू वीडियो बनाने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, चैनल सपोर्ट करने में सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। आज के लिए इतना ही।